बोली सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ भगवान की दया हो, माता पिता गुरुदेव की दया हो, बाबा जी की कृपा हो। अध्याय 47 प्रस्तावना। साई गुड़ की खान है, मूरत सुंदर होए, श्री मुखी आवा लख है, कितनी पावन होए। साई बाबा दर्श जब नेत्र छणक पा जाए, सुख सारे संसार के एक साथ मिल जाए। भक्तन पर साई प्रभो कृपा दृष्ट कर जाए, आसाएं सब पूर्ण हो, बाबा दर्श दिखाए। एक नजर श्री नाथ की वंदन मुक्त कराए, भक्तन का कल्याण हो और आनंद समाए। गंगा जी स्नान से पाप मुक्त हो जाए, पर संतों की राह में गंगा पलक बिछाए। राह तक सद संत की पावन गंगा माए, श्री चरणों की दूर जो उनको भी मिल जाए। शिरडी के साईं प्रभो संत रूप अवतार, साईं लीला श्रवण से भवसागर हो पार। राजा राजकुमार बन लिए कई अवतार, किंतु फकीरा रूप में दर्शन पहली बार। सर्प और मेढक एक समय साईं प्रभो प्रातः सैर कराए, चलते चलते राह में एक नदी मिल जाए। थोड़े जब वे चल चुके मन विश्राम कराए, कुछ देरी के बाद ही जल स्नान कराए। जब हो वे स्नान तो साईं खुशी जताए, जैसे प्रातः पुष्प पर जल वर्षा हो जाए। छोटी सुंदर राह पर गाड़ी बैल दिखाए, मने पवन चलने लगे सौरभ दे बिखराए। हरे भरे से पेड़ पर लाल फूल खिल जाए, इसी तरह साईं प्रभो बैठे वहां लखाए। प्रातः उषा आए के स्वागत करती जाए, बाबा का चेहरा लखे सूरज सा चमकाए। उसी समय दादुर कोई बुरी तरह चिल्लाए, चिलम भरे साईं प्रभो मन में दया दिखाए। बाबा की चकमक जले आग निकलती होए, लख बाबा का चेहरा आकर्षित होए। एक भगत आया वहां बैठा बाबा पास, भोजन और विश्राम हित कर बाबा से आस। चिलम जलाई आग से बाबा हाथ लगाए, खुशी चिलम मन में वही ज्यों जन्नत पा जाए। सुन दादुर आवाज को व्यक्ति अर्ज कराए, बाबा जी से पूछता मेंढक क्यों चिल्लाए। बाबा साईं बोलते दादुर कष्ट सताए, पूर्व जन्म जस कर्म थे वैसे ही अब पाए। विगत जन्म के कर्म में हम जैसे कर जाए, इसी जन्म में भोगना हमको भी पड़ जाए। व्यक्ति चलम जलाए के बाबा और बढ़ाए, फिर मैं डक के कष्ट से बहुत दुखी हो जाए। दादुर जो चिल्ला रहा नाग पकड़ ले जाए, मुख में आधा आ गया बाहर निकल न पाए। बाबा जी कहने लगे गत जन्मों के दोष्ट, दोनों झड़ते रात दिन इसी जन्म भी रोष्ट। वह व्यक्ति भी देख के अचरज में पड़ जाए, साई जैसे कह रहे मेंढक सांप दिखाए। वापस व्यक्ति आए के साई को कह जाए, घड़ी दो घड़ी बाद ही मेंढक सांप खवाए। श्री साई कहने लगे ऐसा ना हो पाए, मैं रक्षक हूँ सामने मेंढक सांप न खाए। सर्पन की सामर्थ क्या जहाँ रहे अवतार, उनके कारण ढो रहे धरती माँ का भार। बाबा चिलम चढ़ाए के आंगे को बढ़ जाए, वह व्यक्ति रोके उन्हें सांप नहीं डस जाए। सांप डसे ना साई को शेष नाग सिर नाए, जो रक्षा सबकी करे उसको कौन सताए। बाबा जी आंगे बड़े निकट सांप के जाए, उनके पिछले जन्म की बात सुनाते जाए।
जाए। वीरभद्र थाकत जन्म सर्प योनि पै पाए, मेढक जैसे शत्रु को इसी जन्म भी पाए। दोनों झगड़ते गत जन्म अब झगड़ों को तोड़, त्याग करें सब ईर्ष्या अहंकार को छोड़। बातें सुन श्री साईं की लज्जित वे हो जाए, मेढक मुख से छोड़ कर सर्प नदी में जाए। मेढक भागा कूद के मन में हर्ष मनाए, तीन लोक की संपदा जैसे वह पा जाए। वह व्यक्ति भी मन बड़ा अचरज करता जाए, बाबा जी की बात सुन मेढक सांप छुड़ाए। चैन बसप्पा था एक दूजा भद्र कहाए, विगत जन्म कैसे रहे यही सोचता जाए। उसी व्यक्ति की बात को बाबा जी लख जाए, पूर्व जन्म की बात को श्री साई समझाए। मेरे घर के पास में शिव जी मंदिर होए, और दुरस्ती वास्ते चंदा करते होए। चंदा देवे सेठ को सेठ हजम कर जाए, जो मंदिर में वास्ते उसमें नहीं लगाए। वाणी में रस अधिकता वह सबको भरमाए, भोले भाले लोगों का चंदा वह खा जाए। उसकी पत्नी दयावती शिव जी स्वप्न दिखाए, स्वर्ण कलश मंदिर चढ़ा खर्च सौ गुना पाए। बात सुनी जब खर्च की सेठ बड़ा घबराए, मीठी मीठी बात कर पत्नी को समझाए। या घर में मैं भी रहूं मुझे न सपना आए, शिव जी यदि कुछ मांगते मेरे सपने आए। भोले जस भगवान को नहीं द्रप की चाह, तुझको कोई भ्रम हुआ छोड़ो अब परवाह। भक्ति भूख भर्तन लगे प्रसादे चढ़ाए, उससे ईश प्रसन्न हो ऐसा सेठ बताए। शंकर जी फिर स्वप्न में सेठानी के आए, पति तेरा कंजूस है वह तुझको भरमाए। स्वर्ण कलश की बात को उसको मत बतलाए, जितना तेरे पास है उतने ही बन जाए। पत्नी गहने बेच के मंदिर रही बनाए, अपने पति से बात कर गहने वो बिकवाए। सेठ बड़ा चालाक था फिर से अकल लगाए, गहने लाखों मूल्य के 1000 बतलाए। पत्नी गहने बेचती क्रेता वह बन जाए, वंजर एक जमीन का भाग एक दे जाए। पत्नी से वह बोलता मंदिर अब बनवाए, मालिक उसी जमीन की दुबकी बहना होए। उसको भी धोखा दिया समझ सके ना कोई, मंदिर छोटा सा रहे एक पुजारी होए। इस भूमि को पाए कर खुशी बहुत ही होए, कुछ ही समय के बीतते एक घटना घट जाए। उस दिन भारी वेग से बादल बिजली आए, सेठ घर बिजली गिरी दोनों ही मर जाए। कुछ ही दिवस के बाद में दुबकी मौत सताए, जन्म दूसरा पाए के सेठ बाम ना होए। वीरभद्रप्पा नाम से उसे बुलाते होए, और पुजारी के घरे सेठानी आ जाए। गौरी उसका नाम हो पुत्री जन्म लिवाए, दुबकी योनी पुत्री की अगला जन्म लिवाए। केनवसप्पा नाम से सेवक के घर जाए, वही पुजारी मीत बन बाबा के घर आए। करे बैठ कर वार्ता और चिलम सिगलाए, गौरी चंदासी बड़े और सयानी होए। अब शादी की बात वह मुझसे कहता होए, वीरभद्रप्पा वर मिला शादी उसकी होए। गौरी तो दुल्हन बनी दूल्हा भद्रा होए, विगत जन्म जो सेठ था वीरभद्र हो जाए। दुबकी बहना चैन बसा पुरुष यौन में आए, पुनर्जन्म के सेठ को कृष्णा पुने सताए। गौरी जिसकी
की पुत्री वही पुजारी आए। मंदिर की जो भूमि थी सेठ मोल ले जाए, पैसे देने के समय चालाकी कर जाए। साईं से सब राय ले साईं ये समझाए, भूमि है भगवान की इसे पुजारी पाए। घरे पुजारी जन्म ले कन्या गौरी आए, इसीलिए ये भूमि अब गौरी की हो जाए। गौरी की भूमि रहे मालिक पति न होए, गौरी की मर्जी बिना खर्च न करियो कोए। सुन बाबा की बात को भद्रा रोष जताए, गौरी को फुसलाए कर बाबा धन खा जाए। ऐसी बातें हो रही मन मेरा दुख जाए, भगवान का मैं नाम लूं बैठा गए घर जाए। वीरभद्र अब क्रोध से घर में कहर मचाए, पत्नी को भी पीटता पागल सा हो जाए। गौरी बेटी आए के मुझसे कहती होए, मैं बेटी हूँ आपकी कृपा प्रभु की होए। गौरी को हम वचन दे मत मन में घबराए, सात समुंदर पार भी रक्षा करने आए। उसी रात भोले दिखे सपने गौरी आए, भूमि तो तेरी सभी कोई नहन ले पाए। चैन व सब पाराए दे मंदिर तू बनवाए, शेष किसी भी खर्च हित बाबा से ले जाए। बाबा से गौरी मिली स्वप्न बात समझाए, बाबा खूब विचार कर अपनी राय बताए। मूल सभी तू स्वयं ले ब्याज रहे जो पास, चैन व सब पा भाग दे उसको भी है आज। वीरभद्र इस जन्म में पूर्व जन्म का सेठ, भाग नहीं इस राशि में चाहे जितनी एठ। उसी समय की बात को बाबा स्वयं सुनाए, वीरभद्र और चैन वसा दोनों लड़ते जाए। शांत करें हम दो को गौरी स्वप्न सुनाए, बात नहीं कोई सुने भद्रा क्रोध जताए। वीरभद्र क्रोधी हुआ कुछ भी कहता जाए, चैन वसा को मार दूं धमकी देता जाए। चैन वधा सीधा रहे चरणन में सिर नाए, रक्षा उसकी मैं करूं जो शरण आ जाए। अल्प समय पश्चात ही दोनों मौत समाए, चैन वसा में ढक भया भद्रा सांप बन जाए। चैन वसा था भक्त मम जो मैं ढक बन जाए, पूर्व जन्म की भक्ति से बाबा प्राण बचाए। संकट हो जब भक्त पर भगवान दौड़े आए, द्वापर में श्री कृष्ण जी चीर भड़ाते जाए। उसी तरह साईं प्रभो रक्षा में लग जाए, चैन बसा दादुर रहे उनकी जान बचाए। लीला बाबा साईं की कृपा करे करतार, भक्तन की रक्षा करें शिरडी के अवतार, शिरडी के अवतार। शिक्षा मधुर कथा साईं कहे शिक्षा हम पा जाए, जैसे भी जो बोएगा वही काटता जाए। भोग नहीं जब पूर्ण हो अगला जन्म लिवाए, लेन देन ना पूर्ण हो मुक्ति ना हो पाए। धन तृष्णा से मनुज का घोर पतन हो जाए, सर्वनाश ही पाएगा अंतकाल जब आए। बाबा जी की शिक्षा भली जीवन मध्य उतार, साईं जन कल्याण हित शिरडी ले अवतार। धन की तृष्णा मत करो यही पतन का मूल, साफ रहो व्यवहार से करो न कोई भूल, करो न कोई भूल, करो न कोई भूल। श्री सदगुरु साई सर्वम भवतु, बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो, बाबा जी की कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। ओम साई राम, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।